मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ओल्ड हाई कोर्ट के सामने बीच सड़क पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ा कि बात हाथापाई पर आ गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दो महिलाएं एक दूसरे को पीटते हुए दिख रही है। बता दें कि हरीश निगम की बहन ने शिकायत की है कि उसके भाई को उसकी पत्नी बबली निगम ने उनके ही पुश्तैनी घर से निकाल दिया है, जिसके कारण वो दर दर की ठोकर खा रहा है। अपने घर को बचाने के लिए जब वो हाईकोर्ट पहुंचा तो इस बात की सूचना बबली को लग गई। वो अपने बेटे, दामाद और अन्य लोगों को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई। बबली ने फिर अपने पति को खोजा और उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इस दौरान जब लोगों ने वहां पर उसे बचाने की कोशिश की तो उसने भी उन लोगों पर हाथ उठाने की कोशिश की। पूरे वाकया के दौरान पुलिस भी बीच बचाव करती हुई नजर आई। भाई साहब, मैं हाईकोर्ट से जा रही थी, मेरे भाई को जो मार रही थी बबली। बबली कौन है ये? बबली मेरे भाई की बीवी है। अच्छा। हाँ, मेरे भाई को मारती है, पीटती है बहुत बुरी तरह, इसके बच्चे भी मारते हैं। हम थाने में रिपोर्ट लिखते तो थाने वाले भी नहीं सुन रहे भाई। इसके पहले इनने भी 1 तारीख को 2-3 महीने पहले लड़की ने करी थी। अच्छा। रिपोर्ट भी डाली है हमने थाने में, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने। और अभी 8-10 दिन पहले लड़के ने मारा है, भाई को मार रहे थे ये लोग। तब मैंने देखा तो मैंने कहा क्यों मार रहे हो, तो मुझे भी बुरी तरह मारने लगे। लातों घूसे थे, बबली मेरा मंगलसूत्र तोड़ लिया उसके लड़के ने। इंद्रगंज थाने में एक फरियादी बबली निगम है, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनके और उनके पति के साथ मारपीट की गई है। उनकी रिपोर्ट पर से जो है दो लोगों के विरुद्ध, हरीश निगम व एक गुप्ता उनकी सिस्टर है, उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना दिया गया और प्रकरण में विवेचना की जा रही है और उनको प्रतिबंधात्मक भी कार्रवाई की जा रही है। इनका ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि इनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, उस बात पर से आपस में परिवार के लोग विवाद कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं।